नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स पर स्वागत करता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम सुबह, दोपहर या शाम को खाना खाते हैं तो अक्सर खाना खाने के बाद मन करता है कि यार कुछ खाने में मीठा होना चाहिए। तो अब खाने में क्या मीठा हो वो आपको बताते हैं कि आप खाइए, मीठा भी है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो आइए आपको बताते हैं कि खाने के बाद मीठे में क्या खाना। जैसे आप देख पा रहे हो तो ये एक ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर में गुड़ भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर रोड साइड पर ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और उसमें गुड़ भरा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं इनके मालिक से या जो पर्सन जो यहाँ पर गुड़ बेच रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि गुड़ का क्या रेट है या गुड़ क्यों खाएं या उसके क्या बेनिफिट हैं। तो ये ट्रॉली लेके आते हैं और ट्रॉली में गुड़ बेचते हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। तो भैया ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं, ये गुड़ की ट्रॉली कहाँ से लेके आए? ये भाई मुरादाबाद से लेके आए, नाम मेरा रईस है। मुरादाबाद के पास एक ज्योतिबा फूले नगर, जेपी नगर जिला है जी, अमरोहा जी, वहाँ से गुड़ लेके आए हैं। हाँ। और गुड़ में यह है कि जो खाना खाते हैं उसके बाद 100 ग्राम 50 ग्राम खाना खा लो तो सारा हाजमा हो जाता। अच्छा। और जो गर्द गुब्बार सुबह से शाम तक आदमी के हलक में जा रही है ट्रैफिक की, उससे सफाई हो जाती। गुड़ खाओ, सफाई हो जाती। ओके। तो सर ये गुड़ जो है कितना टाइम लगता है आपको गुड़ बनाने में? गुड़ बनाने में भाई सुबह से शाम तक गुड़ी बनाते रहते हैं। हाँ हाँ। रात भर बनाते हैं। अच्छा, सुबह शाम गुड़ बनाते हैं। हाँ। तो मुरादाबाद से सर ये ट्राली चला के लाते हैं यहाँ पर? चला के लाते हैं सर। चला के लाते हैं। हाँ। और अगर मान ली, और यही ये जिस जगह आप बेच रहे हैं इस जगह का नाम क्या है? ये द्वारका फ्लाईओवर पड़ता है। द्वारका फ्लाईओवर है, तो यहीं पर बेचते हैं आप इसको? नहीं नहीं, बहुत जगह बेचते हैं, कभी कहीं लगाते हैं कभी कहीं लगाते हैं। तो ये ऐसी कितनी ट्रालियाँ हैं? ये होंगी 20 ट्रालियाँ हैं जो आती है यूपी से गुड़ बेचने के लिए। हाँ हाँ, बहुत ट्रालियाँ। तो बहुत सारी ट्रालियाँ हैं, ठीक है। तो क्या रेट है आपका, गुड़ कितने का मिलता है? गुड़ भाई 50 रुपये बेचते हैं किलो पे। 50 रुपये किलो? किलो 50 रुपये किलो गुड़ का रेट है। अच्छा, और ये मतलब गन्ने से बनाते हैं ना? गन्ने से बनता है? गन्ने से ही बनता है, हर मीठा गन्ने से ही बनता है। अच्छा, गन्ने से ही बनता है, ठीक है, बढ़िया। रसगुल्ला बनाओगे तब गन्ने का बनेगा, बर्फी बनाओगे तब गन्ने की बनेगी, ठीक है, चाय बनाओगे तब गन्ने की बनेगी, गुड़ बनाओगे तब गन्ने का बनेगा। तो मुझे ये बताइए कि जो आप ये गुड़ बना रहे हैं इसमें, जैसे कई बार लोगों को ना दिल्ली में ये बड़ा भ्रम सा रहता है कि यार रोड के किनारे सामान बिक रहा है तो उसमें क्वालिटी कैसी होगी, ऐसा तो वो मतलब कैसे आप उसको अश्योर करेंगे कि आप जो बेच रहे हो सामान? किसान जो अपना बना के लाएगा वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज लाएगा, ना कोई मिलावट होगी नहीं कुछ होगी। अच्छा अच्छा, आप बढ़िया चीज होगी। तो मिलावट से मतलब डरे नहीं? मतलब नहीं, कोई बात नहीं डरने की। हाँ। भरपूर जितना मर्जी करे इतना खाओ। अच्छा, जितना मर्जी करे उतना खाओ। हाँ, नुकसान देने वाला नहीं, नुकसान देने वाला नहीं है। अच्छा ठीक। अच्छा, इसको कितने दिन रख सकते हैं मान लो अगर? हाँ। रखना इसको चाहे। आप अगर रखेंगे? हाँ। तो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। हाँ। रखो, 3 महीना रखो, मगर उसके रखने के बाद जब बरसात आ गई तो काला रंग पड़ जाता है, बरसात में काला हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग समझेंगे कि गुड़ खराब हो गया। खराब नहीं होता गुड़, गुड़ कभी खराब नहीं होता, गुड़ कभी खराब नहीं होता। चलिए, गुड़ तो 4 साल का हो 5 साल का हो और फायदेमंद होता है। अच्छा, पुराना हो जाए गुड़ तो अच्छा होता है, काला होता तो खराब नहीं होता? नहीं, खराब नहीं होता, खराब नहीं होता है। ओके, तो आपने कहाँ से गुड़ बनाना शुरू करा, कितने साल हो गए आपको? ये तो मेरे ख्याल में हो गए होंगे 25-30 साल। 25-30 साल से गुड़ बना रहे हैं मुरादाबाद में? जी, मुरादाबाद शहर है, हम गांव में बनाते हैं, जिले में। अच्छा, मुरादाबाद जिले में बनाते हैं, तो क्या उस जगह का नाम है जहाँ बनाते हैं? ये पड़ता है जोया कस्बा। जोया कस्बा। हाँ, उसके आसपास में गांव है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर आप 25-30 सालों से गुड़ बना रहे हैं? हाँ। ओके ओके, तो आपके परिवार में और भी लोग हैं जो इसका ऐसा काम करते हैं? हाँ, सब गुड़ का काम करते हैं, सबका गुड़ का काम करते हैं, सब किसान लोग हैं, अपना गन्ना पेलते हैं, गुड़ बनाते हैं, गन्ना बेचते, गुड़ बनाते हैं, गन्ना पेलते हैं। अच्छा, गन्ना पेड़ते। तो ये गुड़ जाकर आप मार्केट में क्यों नहीं बेचते, मतलब किसी दुकान वाले? मार्केट में बहुत बिकता सर। हाँ, गाड़ियां गाड़ी जाती है मार्केट में। तो फिर आप फिर इतनी ठंड में गाड़ी लेके यहाँ खड़े हैं या ये बच्चों का गुजारे के लिए खड़े हैं, दो पैसे आपसे मिल जाएंगे? आहा। और क्या बात है। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र लगभग 60
61 साल की। 60 साल के हो गए हैं आप, तो ठंड नहीं लग रही सर? इतना ठंड हो रहा है यहाँ पर? ठंड तो लग रही है सर, अब क्या करें, बच्चे को पाल रहा है। वाह, आप तो अमीर लोग हैं। अच्छा, आप तो तरह तरह के कपड़े ले लेंगे, गर्म भी और ये भी, हम तक कहाँ है, बच्चों को गुजारा करना है, बच्चों की शादियाँ करनी है, पालना है। तो कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे परिवार में दो लड़के हैं, दो लड़की। तो वो भी गुड़ का काम करते हैं? नहीं, वो गुड़ का काम नहीं करते। तो आप अकेले लगे हुए हैं, तो कभी उनको लगता नहीं कि पिताजी इतने बूढ़े हो गए हैं, चलो हम संभाल लेते हैं गुड़ का काम, ऐसा नहीं? अब देखो, ये अनपढ़ आदमी का काम है करने। अच्छा, अनपढ़ आदमी लिख के पढ़े, अब आप कमा रहे 50,000 जी, तो आप 200 रुपये में 300 रुपये कहाँ गुजारा कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। तो सर, इस समय ट्रॉली में कितना गुड़ भरा हुआ है? इस समय तो होगा लगभग 18 क्विंटल। 18 क्विंटल, 18 क्विंटल गुड़ है। और कितने दिन में बेचेंगे आप इसको? कम से कम 15-16 दिन। और फिर उतने दिन आप दिल्ली में रहेंगे और बिक जाएगा तो फिर वापस जाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर घर जाएंगे। अभी नहीं, तो आप बनाएंगे वहाँ जाकर, तो मतलब फिर उसको लाके फिर बेचेंगे? फिर बेचेंगे। तो पीछे से कोई ऐसा नहीं जो बना रहा है? नहीं, बनता है वो मंडी जाता है माल। अच्छा, मंडी जाता है, मंडी जाता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो गुड़ भैया ने बताया गुड़ खाना फायदेमंद है, क्योंकि हम दिल्ली वाले तो मिठाई खाते हैं सर, चीनी खा लेते हैं, आइडिया ही नहीं है सर गुड़ के बारे में। गुड़ जो है खाना चाहिए। हाँ। और दिल्ली के बासिंदों को तो खास करके खाना चाहिए। यहाँ पॉल्यूशन इतना है जी, उसका कुछ फायदा होता है गुड़ खाने से? गुड़ खाने से सब सफाई हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगा होगा कि गुड़ खाने के क्या बेनिफिट हैं। तो ये वीडियो औरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको पता लगे कि गुड़ खाने के क्या बेनिफिट हैं, या खाने खाने के बाद अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो गुड़ खा लेना चाहिए, वो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।